नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट न्यूज़ 24। और बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना राष्ट्र समिति फ्लोर लीडर लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नमा नागेश्वर राव, उन्होंने अपील की है यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर जी से कि वो GGS के सारे मसले जल्द से जल्द सॉल्व करें, और जो पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी कहा वेडनेसडे को कि उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, लेटर में सारी समस्याओं का में उन्होंने पूरा पत्र लिखा है। और इस लेटर में ये भी बताया है कि ग्रामीण डाक सेवक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हैदराबाद में मिले हैं ग्रामीण डाक सेवक, और उन्होंने मेमोरेंडम जो है सबमिट किया है नागेश्वर राव जी को और उनके प्रॉब्लम के बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने उन्हें 1.5 लाख रुपए का जो है ग्रेचुटी देने जो डिसीजन लिया है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों की रिपोर्ट में 5 लाख ग्रेचुटी की बात कही गई थी। और ये भी अपील की है कि उनका ग्रेचुटी के साथ साथ उनको जितने भी पेंशन फैसिलिटी है ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाए। तो उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में 16 दिन का स्ट्राइक हुआ था ग्रामीण डाक सेवकों का, जिनमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा था कि इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद जो है ग्रामीण डाक सेवकों ने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उनका सारे इशू को सॉल्व करे और ग्रामीण डाक सेवकों को उनकी जो जितनी भी उनकी डिमांड से पूरी की जाए, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक है और लॉजिकल है। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के अपडेट्स आपको मुफ्त में मिलेंगी, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।